सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WBJEE काउंसलिंग के बारे में। मॉप अप राउंड जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है उसका आज रिलीज होने वाला है आपका रिजल्ट। इंस्ट्रक्शंस देखने वाले हम कैंडिडेट्स के लिए और कब तक रिजल्ट रिलीज होगा और उसके बाद आपको क्या क्या चीजें मेजरली चेक करनी है वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कैंडिडेट्स को जो है पे करना होगा सीट एक्सेप्टेंस फी एंड रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय August 12 एट WBJEE.NIC.IN पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वेस्ट बंगाल का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है वो डिक्लेयर कर रही है अपना सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट फॉर द मॉप अप राउंड ऑफ द वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग 2024। आज मेनली डेट इज ऑन August 9। कैंडिडेट्स जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में वो अपना डाउनलोड कर पाएंगे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल कैंडिडेट्स को जो रिक्वायर्ड होगा कि वो पे करे सीट एक्सेप्टेंस फी एंड रिपोर्ट करे अपने अलॉटेड कॉलेज में फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिटवीन August 9 to August 12। सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो होगी 5,000 विच कैन बी पेड विया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI और नेट बैंकिंग। उसके अलावा ये भी बताया गया है मॉप अप राउंड के कुछ रूल्स। पहला, जो काउंसलिंग अथॉरिटी है उसने ये बताया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है उसको अलॉट किया गया है एक न्यू सीट इन द मॉप अप राउंड, उनकी जो प्रीवियस सीट है इफ एनी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी एंड जो वेकेंट सीट है वो उनको अलॉट की जाएगी टू द अदर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम देयर अर्लियस्ट सीट बैक, तो मतलब आप पुरानी सीट अपने वापस से नहीं मांग सकते हो। अगर कैंडिडेट ने जो फीस पे कर दी थी फॉर द सीट एक्सेप्टेंस फी इन एनी प्रीवियस राउंड एंड न्यू सीट अलॉट की गई है मॉप अप राउंड में, तो जो सीट एक्सेप्टेंस फी है पेड बाय देम विल बी कंसीडर फॉर द न्यू इंस्टीट्यूट। तो अगर उनको नई सीट मिली है तब उनको वो वाली फीस जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए यूज हो जाएगी। देर विल बी ओनली वन मॉक अप राउंड एंड इट विल बी लास्ट इन द फाइनल राउंड of WBJEE 2024 counseling conducted by the WBJEE. Thereafter, जो concerned authority है like WBJEE वो handover कर देगी अपनी custody of all the vacant seats to the concerned authority for the appropriate action at their end. Applicants जो भी जो है who did not complete admission in round 1 and round 2 उनके लिए लाइक फॉर द अलॉटमेंट बीइंग कैंसिल्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बीइंग अलॉटेड इन सेकंड और लेटर चॉइसेस एंड थर्स वर एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड गेट एन अलॉटमेंट, उनको जो है रिक्वायर्ड होगा कि वो कंप्लीट करे अपना पहला एडमिशन प्रोसेस बाय PAI रिपोर्टिंग एट द न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल। स्टूडेंट्स हु हैव गॉट अ फ्रेश अलॉटमेंट इन द मॉप अप राउंड तो मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी, और अगर उन्होंने पे नहीं कर रखी होगी अर्लियर एंड उनको डाउनलोड करनी होगा अपना अलॉटमेंट लेटर। देर आफ्टर जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिपोर्ट करना होगा अपना अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इफ डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो उनका एडमिशन जो है प्रोसेस वो क्लियर हो जाएगा विद इन द गिवन डेडलाइन। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।